नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया इस समय बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेल रही है और पहले टेस्ट में एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफी हैरान कर देने वाली है। दरअसल लंबे विवाद से झेल रहे और लंबे विवाद को पूर्ण विराम लगा रहे मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज की वापसी हो गई है टीम इंडिया में। प्लेइंग 11 में कप्तान विराट कोहली ने उन्हें खिलाया है और कहीं ना कहीं अब मोहम्मद शमी की वापसी तय हो गई है। आपको बता दें कि अब मोहम्मद शमी को सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करना है ताकि उनकी टीम जीत सके और वो टीम में अपनी जगह बना सके। लेकिन मोहम्मद शमी के लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा। दरअसल मोहम्मद शमी पिछले 4 महीने से जो भी विवाद झेल रहे हैं वो हम सब देख चुके हैं। आपको बता दें कि 7 मार्च 2018 को उनकी बेगम जान हसीन जहां ने एक ऐसा इल्जाम लगाया था जो काफी हैरान कर देने वाला था। हालांकि हसीन जहां ने कभी नहीं सोचा था कि शमी इस मसले से इतनी जल्दी उभर जाएंगे। बता दें आपको कि साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में आखिरी टेस्ट मैच जिताने के बाद मोहम्मद शमी के लिए बहुत जरूरी था कि वो थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि टेस्ट टीम के तो बहुत अहम हिस्सा है। वनडे टीम में थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का वर्चस्व है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिला उनकी छुट्टियों के दौरान जो काफी हैरान कर देने वाला था। 6 मार्च को मोहम्मद शमी हसीन जहां के साथ, माफ कीजिएगा, 4 मार्च को हसीन जहां के साथ रिद्धिमान शाह के घर डिनर पर थे और 7 मार्च को हसीन जहां ने उन पर बेवफाई, अवैध संबंध और दूसरी औरतों के साथ शारीरिक संबंध के आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यहां तक कि हसीन जहां ने यह भी कह दिया कि मोहम्मद शमी कुछ अंतरंग चैट्स करते थे, कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग में भी शामिल हो सकते थे। आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग का जो विवाद था ये काफी बड़ा हो गया, यहां से शमी के लिए बाहर निकलना बड़ा जरूरी हो गया था। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी हिल गई थी जब ये इल्जामात लगे। बड़ी बात ये थी कि आखिर ऐसा क्या था मोहम्मद शमी की इस पूरी गुत्थी में जो हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले तो हर किसी को ये लग रहा था कि आखिर मोहम्मद शमी जैसा क्रिकेटर किस तरह से चीजें कर सकता है। दूसरा, जो शमी की जो छवि थी वर्ल्ड क्रिकेट में, जो छवि है उनकी एकदम शांत क्रिकेटर के तौर पर है। कई बार हमने देखा है कि वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हक के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में BCCI हरकत में आई। BCCI ने साफ तौर पर किया कि मैच फिक्सिंग का जो इल्ज़ाम इन पर लगा है हम उसकी जांच करेंगे, हमें इनके निजी मसले से मतलब नहीं है। BCCI ने ACU का गठन किया और ACU के गठन के बाद BCCI ने मोहम्मद शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ACU ने अपनी जाँच शुरू की। साफ तौर पर उनको ये ब्यौरा मांगा, उन्होंने ब्यौरा मांगा शमी से कि आखिर आप साउथ अफ्रीका से लौटकर 2 दिन दुबई में कर क्या रहे थे, आप उसका ब्यौरा दे दीजिए। हो सकता है कि होटल के CCTV फुटेज भी खंगाल ले गए होंगे। कोलकाता पुलिस के पास हसीन जहां FIR दर्ज करा चुकी थी, तो यहां पर कोलकाता पुलिस भी पूरी तरह से लगी हुई थी मोहम्मद शमी के पीछे। शमी और कोलकाता पुलिस का जो अलग एक चैप्टर था वो हम उस पर हम आएंगे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर ACU से क्लीन चिट मिलना बड़ा जरूरी था मोहम्मद शमी को। इस बीच शमी मीडिया के सामने आए, उन्होंने खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने मैच फिक्सिंग की है तो आप मुझे बीच चौराहे पर लटका दीजिए, मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की और अगर मुझ पर आरोप गलत साबित हुआ तो आप ये बता दीजिए कि आप मेरे साथ क्या करेंगे। साफ तौर पर मैटर जो था वो अवैध संबंध तक तो नहीं था, ये बात सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और पैसा इन्वॉल्व था। शमी ने कहा कि मेरे परिवार को हसीन जहां पसंद नहीं करती थी, वो मुझे और मेरे परिवार को अलग करना चाहती थी। शायद यही वजह है कि मेरे परिवार और मेरे बीच में वो एक दीवार बन रही थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने घर के किचन भी अलग कर दिए, वो मेरे माता पिता को अलग रखना चाहती थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि टीम इंडिया के लिए मैं खेलता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा आता था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं किसी और को पैसा दूँ। इसी बात को लेकर प्रॉपर्टी के पीछे भी विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि इनकी सालाना जो खर्च है आप देख लीजिए, साफ तौर पर शमी ने जो है वो मीडिया के सामने बताया। उसके बाद मोहम्मद शमी ने यह भी कहा कि अगर प्रॉपर्टी का जो मसला है, इनके वकील साहब ने बोला है कि रजिस्ट्री हसीन जहां के नाम नहीं है, जबकि मैं आपको ये प्रूफ दे सकता हूं कि रजिस्ट्री उनके नाम पर है। ये मोहम्मद शमी ने मीडिया चैनल के सामने कहा, इवन वो प्रूफ लेकर भी आए थे। लेकिन यहां पर बहुत जरूरी था कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग के चार्ज से निकले, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी की पहचान है तो वो टीम इंडिया की वजह से है और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि अगर मैं यहाँ पर फिक्सिंग में दोषी पाया जाता हूँ तो शायद मैं दुनिया को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। अब यहां पर ACU ने जांच की। जांच के 20 दिन बाद करीब रिजल्ट आया। ACU ने जांच में पाया कि भाई मोहम्मद शमी इस मामले में दोषी नहीं है, मोहम्मद शमी की यहां पर कोई गलती नहीं है। अब मोहम्मद शमी के लिए बहुत जरूरी था कि इस मसले से जल्द निकला जाए, क्योंकि अगर इस मसले से मोहम्मद शमी नहीं निकल पाते तो शायद उनका जो है वो करियर दांव पर लग जाता।
इस बीच एसीयू से खबर आई कि मोहम्मद शमी फिक्सिंग मामले में दोषी नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दी गई और क्लीन चिट मिलने के बाद शमी के लिए आईपीएल में खेलने की राह भी आसान हो गई। दिल्ली डेयरडेविल्स बहुत डेस्परेटली चाहती थी मोहम्मद शमी को अपनी टीम में, क्योंकि मोहम्मद शमी एक स्टार तेज गेंदबाज हैं, अच्छा प्रदर्शन करके आए थे और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच मोहम्मद शमी का एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों ने कहा कि वो एक्सीडेंट हसीन जहां ने कराया था, अब उसकी भी जांच की जा रही है, ऐसा नहीं है, शमी की गाड़ी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। उसमें ये भी अहम सवाल हो रहे हैं कि शमी आखिर उत्तराखंड से लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया किसने, अब ये भी हो सकता है कि हसीन जहां का नाम इसमें शामिल हो। दूसरी बात यह है कि जब एक्सीडेंट से उनके इस पोर्शन में टाके आए, उन्हें फिट होना बहुत जरूरी था। मोहम्मद शमी का फिट होना दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी बेहद जरूरी था और टीम इंडिया के लिए भी। अब यहां पर अगर शमी फिट नहीं होते तो शायद उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता। इस बीच हसीन जहां ने बीसीसीआई पर भी आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने बिल्कुल एकदम खुले तौर पर शमी को खुले सांड की तरह छोड़ दिया है और अब वो शायद और भी ज्यादा अय्याशी करेंगे जिस तरह के इल्जाम मैं लगा रही हूं। बड़ी बात यह थी कि आखिर मोहम्मद शमी पर आरोप लगा क्यों रही थी हसीन जहां, क्या यह मसला काफी समय से चल रहा था? हालांकि मोहम्मद शमी ने इस बात का खुलासा किया। मोहम्मद शमी ने कहा कि भाई अगर मैंने, क्योंकि यह मसला इस वजह से चल रहा था, मैं घर पे अगर नहीं रहता था तो मेरे घर में ये लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन मैं जब घर पे रहता था तो इनकी जो है एक अलग ही धारणा रहती थी, ये मुझे मेरे परिवार से अलग करना चाहती थी, मेरे भाई से इन्होंने मुझे अलग कर दिया। इवन हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के भाई पर भी ये आरोप लगाया कि वो उनके साथ दुष्कर्म करते थे। हालांकि इसका ब्यौरा भी शमी ने मीडिया चैनल के सामने दिया कि भाई अगर मेरे भाई ने दुष्कर्म किया तो आपको मुझे बताना चाहिए था, अगर आप मुझे नहीं बता सकती थी तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, आप अब इस मसले को क्यों खोल रही हैं, इस बात का खुलासा आपको करना होगा। और इन सवालों के जवाब अभी तक हसीन जहां ने नहीं दिए, हसीन जहां ने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया। इस बीच मोहम्मद शमी आईपीएल खेले, आईपीएल में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा जिसकी वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उनको साफ तौर पर बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद उन्हें ये कहा कि भाई आप जो है थोड़ा सा समय लीजिए, आप अपने निजी मसलों से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल्स के गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने भी यही कह दिया था कि यहाँ पर मोहम्मद शमी को अपने निजी मसलों से निकलना पड़ेगा, अगर ये निजी मसले से नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर बेहद अहम हो जाएगा कि भाई मोहम्मद शमी का शायद करियर भी बर्बाद हो सकता है। इस बीच हसीन जहां मोहम्मद शमी के गाँव पहुँचती हैं सहसपुर अमरोहा और वहाँ पर उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाती हैं कि पुलिस यहां पर मिली हुई है, मीडिया उनके साथ मिली हुई है, मीडिया को बेवकूफ तक बता दिया। ठीक है, जब तक मीडिया आपसे सवाल नहीं कर रही है तब तक मीडिया ठीक है, जब आपसे मीडिया ने सवाल किए, जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होने शुरू किए तो मीडिया आपके सामने बेवकूफ हो गई। साफ था कि यहां पर हसीन जहां कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छुपा रही है। इस बीच मोहम्मद शमी ने भी एसपी ऑफिस में मेल किया और उन्होंने कहा कि भाई अगर यहां पर मैंने इस तरह की चीज नहीं की है और यहां पर मुझे पूरा मौका मिलना चाहिए, मैं हसीन जहां को अपने घर नहीं रखूंगा, क्योंकि हसीन जहां अपना हक मांगने गई थी। अच्छी बात है कि आप अपना हक मांग रही हैं, लेकिन शमी ने साफ तौर पर कहा कि अगर ये मेरे घर पर रहेंगी तो ये मुझ पर फिर इस तरह के इल्जाम लगाएंगी और शायद मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा, इस वक्त मैं अपने क्रिकेट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। इस बीच जब हसीन जहां हक मांगने पहुंची थी उसके कुछ दिन पहले ही कोलकाता पुलिस ने समन जारी कर मोहम्मद शमी को बुलाया था, उनसे 3 घंटे पूछताछ की और अमूमन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों में दहेज उत्पीड़न अवैध संबंध, इस तरह के मामलों में अगर 1% भी दोषी जिन पर आरोप लगता है, अगर 1% भी पुलिस को लगता है तो वो गिरफ्तार करती है, शायद पूछताछ के लिए गिरफ्तार करें, लेकिन यहां पर मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दैट मीन्स कि कोलकाता पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जो शायद उन्हें गिरफ्तार की ओर ले जाता है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती। अब यहां पर बेहद ज्यादा जरूरी था कि मोहम्मद शमी अपना यहां पर अपने क्रिकेट पर कॉन्सेंट्रेट करते। बहरहाल पुलिस ने ताला तो नहीं तोड़ा, ताला लगा हुआ था शमी के घर, हसीन जहां ने कोशिश जरूर की और वहां पर वो जितनी शिकायतें दर्ज करा सकती थी उन्होंने कराई। उसके बाद तुर्क बिरादरी बीच में आई, बिरादरी ने साफ तौर पर कहा कि हसीन जहां बस कीजिए, इस मसले को सुलझाइए, हम शमी को भी बुलाते हैं और आप भी प्लीज एक बार बैठ के बात कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि मोहम्मद शमी को जब 12 मई की तारीख मुकर्रर की गई कि आप आके बात कीजिए, मोहम्मद शमी वहाँ नहीं मिले। कई लोगों का कहना था कि भाई दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए बिजी हैं, अब दिल्ली डेयरडेविल्स जब खिला नहीं रही है, आप मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जा सकते हैं लेकिन आप मसले को सुलझाने नहीं आ सकते। यहाँ पर बेहद ज़रूरी था मोहम्मद शमी के लिए भी कि वो इस मसले को सुलझा लेते। अब अहम सवाल ये था कि आखिर ये मसला सुलझता कैसे। दोनों ने
दोनों ने शुरुआत में यही कहा कि हम अपनी बच्ची के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी बच्ची के लिए फ्यूचर बचाना चाहते हैं। साफ तौर पर हसीन जहां ये कह रही थी कि भाई मैं अपनी बच्ची का फ्यूचर देख रही हूं, अगर शमी मुझसे माफी मांग ले जो उन्होंने किया है तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। शमी ने कहा कि मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं की है, मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं और मैं आज भी अपने परिवार को अपनाने के लिए तैयार हूं। तो आखिर ये क्या लड़ाई थी? क्या ये वर्चस्व की लड़ाई थी, क्या ये अपने हक की लड़ाई थी, या फिर यहां पर पैसा इन्वॉल्व था इस तरह के इल्जाम लगने के बाद? बहरहाल हसीन जहां अपने मॉडलिंग के दिनों में लौट चुकी हैं, हसीन जहां अब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी हैं, अब उनकी फिल्म फतवा की शूटिंग शुरू होने वाली है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हसीन ने फेमस होने के लिए शमी की टीआरपी डाउन किया, शमी का इस्तेमाल किया, इस तरह के भी इल्जाम लग रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला और कितने नए खुलासे करता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी हसीन जहां और मोहम्मद शमी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स और फैक्ट्स के साथ। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।